इसकी प्राइस जो एक्चुअल रिटेल प्राइस थी वो थी कोई $350, मैं मजाक नहीं करी, $60 का खरीदा था। और सच्ची बात है वो इसलिए उठाया था क्योंकि मेरे मियाँ ने कहा था कि चलो मैं पैसे दे देता हूँ तुम ले लो। कपड़े एक दफ़ा पहन के आपने सूट नहीं देने या किसी को गिव अवे नहीं कर देने, आप अपने कपड़े बार बार पहने, आप एक ही चीज़ को 10 तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, ब्लैक एंड वाइट मेरी कलेक्शन में बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, मेरे ड्रेसिंग रूम में आने से पहले ही आप ड्रेसिंग रूम में वेट कर रहे थे, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, आज मैंने सोचा है कि आपको अपनी वार्डरोब तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, ड्रेसिंग टेबल भी दिखाया था, बट मैंने कभी आपको अपनी स्वेटर कलेक्शन नहीं दिखाई। स्वेटर्स की कलेक्शन इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर लोग नीचे से कॉमेंट करते हैं कि ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, और लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि शायद जो भी चीज़ें किसी टीवी या मीडिया के पर्सन के पास हैं वो बड़ी ही महंगी होंगी, बड़ी ही एक्सपेंसिव होंगी, लेकिन एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सी चीज़ें अगर आप सेल्स पे और सेंसिबल अंदाज में शॉपिंग करते हैं तो आप उठा सकते हैं। और सच्ची बात है मैं तो सेल के अलावा मुश्किल ही है कि कभी कोई चीज़ खरीदूँ, बिकॉज़ जो चीज़ आपको सस्ते में मिल सकती है वो आप इतनी एक्सपेंसिव क्यों लें। अच्छा, मैं ज़रा आपको ये अपनी कबर्ड्स खोल के दिखाना चाहती हूँ, ज़रा आइए मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये है मेरी स्वेटर कलेक्शन जो हम नीचे देख रहे हैं। ऊपर वो सारे कपड़े हैं जो मेरे मॉर्निंग शो के होते हैं। बेसिकली मैंने हर अलमारी को सेपरेट किया हुआ है, सो यहाँ पे मेरे सारे वो वाले कपड़े हैं जो अभी मॉर्निंग शो के मैंने नहीं पहने हैं, ये वो आउटफिट्स हैं जो अभी मैंने पहन लिए, नहीं ये है जो नहीं पहने, ये हैं जो अभी मैंने पहन लिए हैं और अब ये वापस जाने हैं टू द डिज़ाइनर्स। अच्छा, नीचे मैंने अपने स्वेटर्स की कलेक्शन रखी और ये स्वेटर्स मैंने बड़ी दफ़ा पहने भी होंगे, आपने भी मुझे पहने हुए देखा होगा। और बात बड़ी सिंपल है, देखें थोड़ा सा सस्टेनेबल फ़ैशन की तरफ भी हमें जाना चाहिए। अब सस्टेनेबल फ़ैशन से मुराद यानी कि कपड़े एक दफ़ा पहन के आपने सूट नहीं देने या किसी को गिव अवे नहीं कर देने, आप अपने कपड़े बार बार पहने, आप एक ही चीज़ को 10 तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी कुछ फेवरेट चीज़ें दिखाती हूँ, जैसे कि दिस इज़ माई फेवरेट स्वेटर, ये डे में पहन लो या नाइट में पहन लो, यू आर कम्फर्टेबल। इसकी नेक भी देखिए, इट्स अ हायर नेक, राइट, सो इससे होता ही है कि फिर आपको स्कार्फ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट टर्टल नेक की तरह यहाँ तक नहीं चढ़ा होता। सो आई लव दिस काइंड ऑफ अ नेक और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्वेटर्स। ये है ज़ारा का स्वेटर, सो दिस इज़ अ ज़ारा स्वेटर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्वेटर्स। अच्छा, टॉप्स की अगर बात करूँ तो स्वेटर टाइप टॉप एक है, ये मैंने इतना पहना है वीडियोज़ में कि लोग भी हंसते हैं। इट्स अ वेरी कम्फी काइंड ऑफ अ वट एवर, इसको आप शॉल के साथ भी पहन सकते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो तो। मेरे पास एक वाइड पैलेट है ऑफ कलर्स और इतने ज़्यादा स्वेटर डाले हुए हैं, और बाय द वे कंसिस्टेंटली मैं अपने स्वेटर्स गिव अवे भी कर रही थी। अच्छा, स्वेटर्स को भी फैंसी अंदाज में आप पहन सकते हैं, जैसे कि ये स्वेटर जो है मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर मोती लगवा लिए। सो आप खुद भी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग डायनामिक्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्वेटर्स ऐसी चीज़ हैं जो एक या दो दफ़ा पहनने वाली चीज़ तो है नहीं। अच्छा, ये मैंगो का एक स्वेटर है, ये मैंगो का स्वेटर है और ये मैंने लिटरली, मेरे ख्याल से ये कोई $40 का था रैक पे, और सेल पे मुझे ये मिला कोई $799 का, यानी कि $8 का। सो द पॉइंट इज, सेल्स के सेक्शन को ज़रूर चेक किया करें, सेल्स सेक्शंस हैव द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स। अब आप देख रहे होंगे कि स्ट्राइप्स की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, दिस इज़ अ लाइट स्वेटर, तो ये जब फॉल आ रहा होता है या स्प्रिंग का सीजन होता है तो उसमें ये बड़ा आइडियल रहता है। अगेन ज़ारा, एक्चुअली मेरे ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो ज़ारा एंड H&M वगैरह के हैं, बिकॉज जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं उन्हें सीख के शॉपिंग करती हूँ। अगेन एक्चुअली ये स्वेटर था ग्रे वाला जिससे इंस्पायर होकर मैंने उस पिंक वाले के ऊपर मोती लगवाए थे, ये मतलब ऑलरेडी ज़ारा का स्वेटर इस तरह का था, आया ही ऐसे था, तो मैंने कहा मोती तो हमारे इतनी इजीली मिल जाते हैं तो वो पिंक वाले स्वेटर के बाजुओं पे मैंने लगा दिए। सो द फैक्ट इज़ आई हैव अ ह्यूज स्वेटर कलेक्शन। और ये तो कुछ है, अब ये बड़ा मज़े का है, डिवाइडेड का है। अब इसको मैं किस तरह से पहनती हूँ कि इसके नीचे जो है फुल स्लीव ब्लैक शर्ट पहन लेती हूँ, अगर आपने स्लीवलेस टैंक टॉप भी इसके नीचे पहनना है तो पहन सकते हैं, बट वो फिर बहुत रिवीलिंग हो जाता है, मुझे इतने रिवीलिंग नहीं पसंद। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, ब्लैक एंड वाइट मेरी कलेक्शन में बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ब्लैक एंड वाइट, आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक एंड वाइट, एंड इवन दो ब्राउन इज़ नॉट अ कलर दैट आई एंजॉय ऑल दैट मच। अच्छा, ये फ्रेंच कनेक्शन का, अगेन ये बहुत सस्ता मुझे मिला था टॉप, इट्स लाइक अ स्वेटर टॉप, या आप टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, मैं यूजुअली इसको जीन्स के साथ पहनती हूँ, बट आप इसको टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ही इसकी मज़े की लुक है। अगेन ये मुझे सेल पे
$10 से कम का मिला था, और अगर आप इसकी एक्चुअल प्राइस देखें तो आई थिंक $50 या $60 इसकी एक्चुअल प्राइस है. सो द पॉइंट इज इंटरेस्टिंग चीज. अच्छा, दिस इज अ उफ कम्फी तरीन स्वेटर. ये H&M का स्वेटर है. आई लाइक लूज कम्फर्टेबल थिंग्स. अच्छा, सर्दियों में एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े जो हैं जब हम लेते हैं, बेहतर है कि हम लेयरिंग करें. अच्छा, ये एक जो बड़ी आजकल इन चीज़ है कि शॉर्ट टॉप्स, शॉर्ट क्रॉप टॉप्स जो हैं बड़े इन हैं, बट फिर उसके नीचे टैंक टॉप ज़रूर पहने फुली कवरिंग, वरना फिर सर्दी लग जाती है इंसान को. सो दिस इज़ अगेन अज़ारा का टॉप. इट्स लवली. वेयर दिस विद जीन्स एंड इट लुक्स ग्रेट. अच्छा, फ्रंट ओपन. और ये बाय द वे ये सारे ज़्यादातर मेरे वेस्टर्न वेयर के स्वेटर्स हैं. आप नोटिस करेंगे कि ऐसा जितने मेरे पास फ्रंट ओपन है, ये एक फ्रंट ओपन है जैसे मेरे पास. ये न्यू लुक का स्वेटर है, बड़ा मज़े का है, बड़ा कंफर्टेबल सा है. नीचे आप शलवार कमीज़ के भी इसके ऊपर पहन सकते हैं, बट आपको पता है शलवार कमीज़ के साथ शॉलें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और नीचे अगर बंदा थर्मल पहन ले. अच्छा, एक ये स्वेटर. उस दिन जो बच्ची घर संभालती है ना मेरा, उस दिन उसको देखा स्वेटर को, तो मुझे घूम के कहती है कि आप ही, ये तो फटा हुआ है. इसकी प्राइस जो एक्चुअल रिटेल प्राइस थी वो थी कोई $350. मैं मजाक नहीं कर रही, $350. और ये इसकी यही लुक है, ये डिज़ाइनर स्वेटर है. और इस स्वेटर को मैंने $60 का ख़रीदा था. सो यू नो, कभी कभार मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ उठा भी लेती हूँ, बट ज़्यादातर मेरा यही होता है कि, और सच्ची बात है, वो इसलिए उठाया था क्योंकि मेरे मियाँ ने कहा था कि चलो मैं पैसे दे देता हूँ तुम ले लो. सो इसलिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है. अगर आप ये लंबे वाले स्वेटर्स ले लें, ये वूल का है, बहुत कम्फर्टेबल है, इसके साथ टाइट्स पहन लें, बहुत ही अमेजिंग सी आपको एक बड़ी एलिगेंट सी लंबी सी स्लीक सी ऑलमोस्ट शलवार कमीज टाइप लुक आ जाती है. अब तो लोग स्वेटर्स को भी ना उस तरह से पहनते हैं. इस तरह के स्वेटर्स भी बड़े क्यूट लगते हैं, शॉर्ट स्वेटर्स विद अ काउल नेक. सो अगेन, अब ये कौन सी ब्रांड है, हाँ ये फ्रेंच कनेक्शन है. सो यू नो, वेरियस डिफरेंट स्वेटर्स, वेरियस डिफरेंट थिंग्स, कलर्स की भी मैं वेरियस कॉम्बिनेशंस रखती हूँ. मेरे ख्याल से इंसान जो भी चीज़ ले, जो भी चीज़ खरीदे, वो हो जो आपके लिए वेरेबल हो. अब देखेंगे, जिस तरह ये ब्लैक एंड वाइट है, आपने नीचे वाइट जीन्स एंड वाइट टॉप पहन लिया, या आपने ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक टॉप पहन लिया, और आपकी मतलब साथ में बूट्स पहन लिए, तो आपकी बड़ी एक कूल सी लुक कंप्लीट हो जाती है. एंड अगेन, यू कैन वेयर दिस विद शलवार कमीज ऑल्सो. सो शलवार कमीज ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी आपने पहनना हो, बेसिकली कोशिश ये करें कि अच्छे लगें, एलिगेंट. अब ये देखेंगे, मुझे बर्थडे पे किसी ने दिया था, मुझे बहुत ही मज़े का लगा ये. एंड द पॉइंट इज, अभी आप ब्लैक जीन्स के साथ पहन लें, ब्लैक टाइट्स के साथ पहन लें, इट्स अ लवली लवली टॉप. और बाय द वे, शलवार कमीज के ऊपर भी पहन सकते हैं, बिकॉज इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल एंड लूज. सो ट्रायल एंड एरर का होता है सिलसिला. अच्छे अच्छे कपड़े बंदा, हर बंदे का ख्वाहिश होती है पहनने को. और बाय द वे, इसमें कुछ ऐसे स्वेटर्स भी हैं जो मेरे ख्याल से 15-20 साल भी पुराने हैं. सो द पॉइंट इज, चीज़ें खरीदें जो आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं. आपने चले एक सीज़न में 2-3 दफ़ा पहन लिया, आप नहीं फिर पहनना चाह रहे, तो उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है. होल्ड ऑन टू इट. अगले साल किसको याद रहना है क्या पहना क्या नहीं पहना. और वैसे भी इन कॉम्प्लेक्सेस से हमें निकल आना चाहिए कि हमने पहले कोई चीज़ पहनी है कि नहीं पहनी. कपड़े पहने, इन्जॉय करें, ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए. और मुझे भी बताएं कि आपकी फेवरेट क्या आउटफिट्स हैं, आपके विंटर के आउटफिट्स में आपके फेवरेट स्वेटर्स कौन से हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में. एंड जो सबसे अच्छी डील आपको आज तक मिली है, सो द बेस्ट डील यू गॉटन व्हेन एवर यू वर बाइंग स्वेटर या कोई भी चीज़ बाहर, तो वो बेस्ट डील क्या थी आपकी, ज़रूर शेयर कीजिएगा. चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा. मज़ीद और चीज़ें शेयर करूँगी अपने ड्रेसिंग रूम से इन अनदर वीडियो. Meow.